दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन बैंक को फ्री में, और साथ में इस घंटे को भी दबा दें ताकि हर हफ्ते आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएं और आप इसे देख पाएं। I do demand justice for Zainab. Yes, I demand justice for Zainab. Yes, I am Indian. I do demand justice for Zainab. Yes, I demand justice for Zainab. I am Indian. I demand justice for the 60 जैनब एक 8 साल की बच्ची है जिसके साथ आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से उसको मार दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। पहले तो उसे किडनैप किया जाता है, फिर रेप किया जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। तो एक इंसानियत पे कलंक आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि घटना पाकिस्तान के शहर में हुई है? कहना चाहेंगे कि ये सब आजकल धीरे धीरे और कम एज की लड़कियों के साथ होने लगा है। रेप आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल कोई भी ये सब करने से पहले एक बार डरता नहीं है, डरता नहीं है। ये सब पाकिस्तान की सुरक्षा पे डिपेंड करता है कि सरकार कैसा मतलब बना के रखी है। ये सब चीज़ उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो स्टेक्यूट बना के रखती तो आज एक ही आदमी ऐसा करने का हिम्मत नहीं करता, वो भी चार चार थोड़ा गवर्नमेंट तो इस पे कुछ जब पकड़े जाते हैं तो उसको कुछ करते नहीं है। बस उसको 1 साल की सजा या कुछ पैसे लेकर के दफा दफा केस कर दिए जाते हैं। वहाँ पे क्या वजह है कि रेप के मामले कम नहीं होता है किसी भी देश में? पाकिस्तान उस आदमी को अच्छी तरह से सजा नहीं मिल पाती है। वो खुला है, बोलता है यार मैं कर लूंगा, मैं डरता नहीं है। वो किसी को हमारे प्रशासन से डर नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है। कानून सख्त नहीं है पहली बात है। दूसरी बात ये कि इसमें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसके कारण लोग के अंदर डर पैदा हो। जब तक डर अंदर पैदा नहीं होगा तब तक ये सब बंद नहीं होगा। ये कुछ होगा 6 साल की बच्ची को रेप करना मतलब बहुत बड़ा पाप करना है। 6 साल की बच्ची ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ वहम नाम कोई चीज़ तो है नहीं। कल सुनने में काट से करना चाहिए, सजा से भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कड़ी से कड़ी काट नहीं तो जिधर हटवा तो उधर हटा देना चाहिए। वहीं जो रहता है सीधा शूट कर दिया उसके मन में डर नहीं है। वो जानता है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं पकाने वाला नहीं हूँ। अगर यही कहीं स्ट्रिक्ट रहता रूल तो आज 4 नहीं कम से कम 2 के बाद वो जरूर पकाया जाता। एक ऐसे जंगल में छोड़ना चाहिए जो एक बाउंडेड हो, साइड से पूरा बाउंड्री हो। और एक ऐसे जंगल में छोड़ना चाहिए जहाँ पूरे जानवर हो, जानवरों के बीच में छोड़ना चाहिए। जैसे वो दूसरे को नोच के खाए हैं वैसे ही उनको कोई नोच के खाए तब उनको पता लगेगा। भी है अगर हमारे देखते हैं कि वहाँ कोई लड़की को छेड़ रहा है तो वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस कैमरा लेके खड़े हो जाएंगे, फोटो की तरह आप वीडियो बना देंगे। सरकार की वजह से ही सरकार अपनी वजह से सरकार व्यवस्था करनी चाहिए।